तो दोस्तों बात कर लेते हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में पहले से होल्ड हैं तो आपको क्या करना होगा, और अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए क्या राय रहेगी। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो 2 मिनट का ना हो, थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आप कम्प्लीटली ज़रूर सुन लेना, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो कितने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलता हुआ हल्का सा नज़र आ रहा है। 2020 में स्टॉक ने टूटना स्टार्ट किया था और उसके बाद कंटिन्यूस टूटता ही रहा, और ये स्टॉक 400 रुपये से लेकर के आप देख सकते हो दोस्तों 20 रुपये पर आ चुका, बल्कि 16 रुपये तक भी ये स्टॉक आता हुआ नज़र आया था। दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल से बाय किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आप लंबे समय से इस स्टॉक में बैठे हैं लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा है। अभी हमने शॉर्ट टर्म लेवल डिस्कस किए थे आपके साथ, उस समय पर जिस किसी ने भी इस स्टॉक को बाय किया होगा, होल्ड किया होगा, उसने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है। एग्जैक्ट बात करूं तो 22 रुपये 50 पैसे पर आपको स्टॉक बाय करने की सलाह दी थी और 32 रुपये के दिए थे टारगेट्स, और मैंने 3 से 4 महीने का व्यू रखने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, वो स्टॉक 1 महीने के अंदर ही 32 रुपये का टारगेट हिट करके दोबारा से नीचे आया। जब स्टॉक दोबारा से नीचे आया तब हमने एक और वीडियो बनाई थी और कहा था 24 या 23 जो लेवल पकड़ में आए उसी लेवल पर स्टॉक को बाय करके फिर से बैठ जाना है। स्टॉक ने एग्जैक्ट वही काम किया जैसा हमने सोचा था। तो दोस्तों स्टॉक फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी अपॉर्चुनिटी चल रही है दोस्तों, अभी भी बाकी है गुंजाइश। अगर अभी भी बाय नहीं किया तो डेफिनेटली इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। लाखों की संख्या में इसमें डेली स्टॉक्स को बाय किया जा रहा है। जैसे जैसे कंपनी धीरे धीरे एफर्ट डाल रही है उसी तरह से धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कैंडल डे कैंडल 32 के ऊपर सस्टेन करती है तो ये स्टॉक इस बार 40 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। 3 महीने 6 महीने कितना टाइम पीरियड लेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स बहुत स्लो मोशन में मूव करते हैं। आने के लिए जिस दिन आपका टारगेट होगा एक ही दिन में आपको टारगेट दिखा देगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है उस एक मूव के लिए। अगर आप पहले ही स्टॉक को बेचकर हार के निकल गए तो बस फिर आपके हाथ से वो मूव छूट जाएगा। एक बार ज़रा इस स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी डीप में। यहाँ पर चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम करके लगा लिया है ताकि आप क्लियर व्यू देख पाओ। दोस्तों आप देख सकते हो 400 रुपये से जैसे स्टॉक ने टूटना शुरू किया है, घाटे में कंपनी चली गई थी, अभी तक भी मुनाफे में नहीं लौटी है लेकिन कोशिश में है। तो अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो आप इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके पैसा लगाएं, वरना आप शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के साथ इस स्टॉक में खेलते रहिए, उसी तरह से आप इसमें बड़ा पैसा बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कीजिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स हम डेली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमा पाओ। दोस्तों बाइंग तो हर कोई कर लेता है स्टॉक को, लेकिन बाइंग का सही लेवल कौन सा है ये हर कोई नहीं जानता। हम आपको बताते हैं कि इस स्टॉक को बाय करने के लिए आपका सही लेवल कौन सा है, और स्टॉक को जिस तरीके से सही लेवल पर बाय करना ज़रूरी है इसी तरह से स्टॉक को सही लेवल पर सेल करना भी उतना ही ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।